नमस्ते, मैं सुमन शर्मा। मैंने अपनी इस वीडियो में यह बताया है कि हम भटूरे अगर बना रहे हैं तो भटूरे का आटा अगर हम लस्सी यानी कि दही की छाछ या लस्सी बनाकर उससे उसका आटा भटूरे का आटा गूंदेंगे और फिर भटूरे बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे और फूले हुए और मुलायम भटूरे बनेंगे। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज हम बनाएंगे भटूरे। भटूरे पहले भी मैंने बनाकर दिखाए हैं लेकिन वो सोडा वाटर में बनाए हैं, आज हम बनाएंगे लस्सी में। तो कैसे बनाएंगे, ये मैंने सूजी ली है, एक कटोरी सूजी है और इसे छलनी में से छान लिया है और ये मैदा मैंने आधी कटोरी ली है। जितनी सूजी लेनी है उसकी आधी मैदा लेनी है और सूजी मैदा छान लेने के बाद इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून घी। तेल भी डाल सकते हैं आप और इसे हम मिला लेंगे। नमक नहीं डालना इसमें, घी को हम मिला लेंगे और मिला लेने के बाद अब हम इसे लस्सी से, ये हमने दही की लस्सी बना ली है उससे गूंदेंगे। आटा बिल्कुल हम ऐसा गूंदेंगे जैसा कि रोटी बनाने के लिए गूंदा जाता है। लस्सी भी मैंने नॉर्मल ही ली है, खट्टी नहीं ली है। और ये आटा हमने गूंद लिया है। गूंद लेने के बाद अब हम इसे ढक कर रख देंगे डेढ़ घंटे के लिए, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो दो घंटे के लिए ढक कर रख सकते हैं। डेढ़ घंटा हो गया है आटे को हम ढके हुए, तो हम अब डेढ़ घंटे के बाद इस आटे को ऐसे मसल देंगे। गर्मियों में बहुत जल्दी आटा खमीरीकरण हो जाता है, एक डेढ़ घंटे में ही ये सही भटूरे बनाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सर्दियों में अगर आप आटा गूंद रहे हैं तो दो घंटे इसे खमीरीकरण करना बहुत जरूरी है। और इतना मसल लेने के बाद फिर इसके पेड़े बना लेंगे। और पेड़े बना लेने के बाद अब हम इन्हें बेल लेंगे। ये सूखा आटा ले लिया है, सूखा मैदा थोड़ा सा ले लिया है मैंने, इससे ये आसानी से बेले जा सकेंगे। और इसे मैं यू शेप में बेलूंगी, आप चाहें तो इसे गोलाकार में भी बेल सकते हैं। और बेलते समय ये ध्यान रखना है कि इसे सारी तरफ से बराबर ही बेले, ये ना हो कि कहीं से ये पतला हो आसपास से और बीच से ये मोटा रह जाए, या बीच से पतला हो और आसपास से मोटा रह जाए, तो भटूरा हमारा अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। सब तरफ से इस तरह से बराबर होगा। तो अब ये भटूरा हमने बेल लिया है, अब हम इसे तल लेंगे। अब भटूरे तल लेते हैं। भटूरे तलने के लिए तेल तेज गर्म होना चाहिए, अगर तेल तेज गर्म नहीं होगा तो भटूरा फूलेगा नहीं। तो चेक कर लेते हैं तेल, थोड़ा सा आटा डालकर। और ये आटा डालने के तुरंत बाद ही ऊपर आ गया है तो हमारा तेल गरम है। अब हम भटूरा डाल देंगे इस तलने के लिए। भटूरा डाल देने के बाद पौनी से थोड़ी देर बाद ऐसे हमने थोड़ा सा मामूली सा दबा देना है तो ऐसे भटूरा फूल जाएगा। देखिए कितनी अच्छी तरह से बन रहा है भटूरा। और अब हम इसे पलट देंगे। और नीचे से भी देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे। मैं ये भी कहूंगी कि इस तरह से लस्सी में आटा गूंदने के बाद फिर हम इसे जब रखते हैं थोड़ी देर के लिए, डेढ़ घंटे के लिए, तो बहुत अच्छे भटूरे बनते हैं। ये देखिए ये भटूरा हमने बना लिया है।